की, क्लास 11th की मैथमेटिक्स। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो वहां पे हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपसे कल की क्लास में डिस्कशन किया था, वो कही थी बेसिक बातें। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट मैंने कल उसके बारे में आपसे बहुत सी बातें और भी करी थी। लाइक मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। अगर इसके फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिलती है तो वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल दूंगा, उस टाइप की इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दूंगा। यहाँ पे जो ए बी सी थे दैट विल बी आ कॉन्स्टेंट, ये क्या है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट। ये कल की कहानी में बात करी थी। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बताया था। साथ ही साथ इसको सॉल्व अगर मुझे करना है तो उसको करने की भी दो मेथड्स थी, ठीक है। मैं मेनली फोकस करूंगा, अगर मैं क्लास 11th के हिसाब से बात करूं तो मैं मेनली फोकस करूंगा दूसरी मेथड पे। ये जो दूसरी मेथड है, वो जो दूसरी मेथड थी क्या, दूसरी मेथड का था एक फॉर्मूला, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही थी, ठीक है। अब इसमें ए बी सी क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सी वो टर्म है जो एक्स या वेरिएबल से फ्री है। देखो यार, इट डजंट मैटर कि हमेशा एक्स के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, जो भी कोई भी एक वेरिएबल होगा। कल हमने बात करी थी वेरिएबल एक ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं बात कर रहा हूँ पावर एक से ज्यादा होगी, देख रही है मैं 2 की पावर दिख रही है, ठीक है, और आगे हम बात करेंगे 3 की पावर रहेगी, 4 की भी पावर हमें मिलेगी, ठीक है। मेनली हमारा फोकस अभी फिलहाल के लिए पावर जो है वो 2 की, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का। कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई भी इक्वेशन में लिख दूं, बट वो जो फॉर्म में रहेगी वो इसी फॉर्म में रहेगी। हाँ, ये हो सकता है ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू, किसी की वैल्यू 0 है। व्हाट इज द ए बी सी, दीज आर द कांस्टेंट माय फ्रेंड्स। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो इसके थ्रू मैं इक्वेशन को सॉल्व कर देता था, हमारे जो वैल्यूज हैं वो निकाल लेता था। लेकिन अगर मैं उसके आगे की कहानी की बात करूं आपसे कि भैया ये तो हो गई, अब इसमें भी मैंने एक बात आपसे करी थी कि जो वैल्यूज निकल के आती हैं, अगर 2 की पावर है तो 2 आंसर आएंगे, या जिसको मैं रूट्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आंसर्स को, 2 वैल्यूज आ रही हैं, द वैल्यूज विल कॉल्ड रूट्स, ठीक है सर, इतनी कहानी क्लियर है। अब जो रूट्स आ रहे हैं, अगर मैं बिना मेथड बिना फॉर्मूले का यूज करे अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो रूट्स का नेचर क्या है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, उन रूट्स का नेचर क्या है, नेचर का मतलब क्या होता है, द नेचर मीन्स रूट नेचर क्या क्या हो सकते हैं, नेचर्स ऑफ रूट, ये रूट्स जो हैं उनका नेचर क्या है। अब वो नेचर की किस तरीके से बात कर रहा हूं कि पहला हो सकता है कि दोनों सेम हो, सर 2 ही क्यों है, मैं भी 2 की पावर की बात कर रहा हूं, रूट का नेचर क्या है, दोनों का सेम, ठीक है। दूसरा, सर डिफरेंट हो रूट, है ना, दोनों रूट जो है, दोनों रूट, मैं अगेन बात कर रहा हूँ रूट की, मैंने बात कर दी जो 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है भाई। तीसरे की बात करूं कि सर जो रूट्स हैं इस केस में रियल है, चलो रियल रूट्स हैं, इसमें भी रियल रूट्स हैं, रियल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल, नॉट बी इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल में क्या अंतर था, चलो शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, इमेजिनरी और रियल में क्या अंतर है। जो नंबर है उनको मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो बाकी के जो जितने भी नेचुरल नंबर है दे ऑल आर रियल नंबर। तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या है, व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आ गया आयोटा आ गया। अब ये क्या होता है, मैंने बताया था अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है
इफ आई गॉट द वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इन रूट, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिले तो मुझे एक नया टर्म मैंने डिस्कवर कर दिया था, उसको बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। वो क्या था जरा देख लें फटाफट से, मजा आएगा, लेट्स सी। ठीक है फटाफट देखते हैं, बिकॉज वो हमारा भी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चलिए फिर भी चलिए देख लेते फटाफट। अगर रूट के अंदर मैंने लिखा है 4, तो आप बिना देरी करे बोल दोगे भैया इसका स्क्वायर रूट होगा 2, और बोल दोगे प्लस माइनस 2। चलो क्यों सर ऐसा प्लस माइनस 2 क्यों बोलते हैं, अगर ये भी कोई पूछे, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, तो दोनों आंसर हो सकते हैं भैया। रूट का मतलब क्या हो गया, ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर मिले, जो रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है फिलहाल के केस में। यस और नो, यस और नो भैया। चलिए ठीक है यहां तक की कहानी क्लियर है, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है, आगे की बात करें हम। लेकिन सर अगर मैं बोलूं माइनस 4 रूट के अंदर, अब कैसे निकालोगे, ऐसी वैल्यू बताना है जिसका स्क्वायर माइनस में आए। क्या दुनिया में ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर नेगेटिव में आए, स्क्वायर करने पे नेगेटिव में आए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दुनिया में ऐसा कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो आंसर नेगेटिव आए, है ही नहीं, ऐसे नंबर है ही नहीं दोस्तों। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बोला ठीक है तुम बोल रहे हो ना रियल नंबर नहीं है, मैं इमेजिनरी नंबर ले आऊंगा। इमेजिनरी नंबर आ गया आयोटा, इसका स्क्वायर होता है माइनस 1, इसका स्क्वायर होता है माइनस 1 दोस्तों। ठीक है सर, तो इसका स्क्वायर माइनस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, उम्मीद करता हूं ये कहानी क्लियर हो गई है, आई स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो आई का वैल्यू अब जिसमें मुझे ऐसी कंडीशन जब जब फंसेगी मैं लगा दूंगा आई। कैसे देखो, अब मुझे मैं बोलूं तुमसे 2i का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i, तो क्या हो गया माइनस 4i, तो यही चाहिए मुझे, हाँ ना मेरा माइनस 4 नहीं, माइनस 4 बस होगा ना, क्योंकि i की वैल्यू क्या आ गई, i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हाँ ना बोलो भैया, तो माइनस रूट 4 का आंसर हो जाएगा 2i, इसका स्क्वायर जब करोगे तो यू गॉट। ठीक है तो हम अपनी कहानी में वापस आते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे पहला हो गया सेम रूट, पहला नेचर ऑफ रूट हो गया कि रूट विल बी सेम, दोनों रूट सेम आ रहा है और रियल आ रहा है। एक हो सकता है रूट डिफरेंट है बट रियल है, डिफरेंट मतलब 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 1/2 है, 2/2 है, माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल है अभी भी रूट, रियल है दोनों केस में। अगला आता है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब भैया अब कहानी फंसी, मतलब रूट इमेजिनरी आएंगे। सबसे पहले सर ये पता कैसे चलेगा, आंसर निकाल दो। लेकिन अगर व्हाट इफ मैं सॉल्व नहीं करे बिना मुझे ये कैसे पता चलेगा अगर मैं चाह रहा हूं, कल मैंने बताया था वो पूरा का पूरा डिपेंड होगा मेरे दोस्तों किस पे, इस पे, इस पे। यस और नो में जवाब दो, वो पूरा का पूरा निर्भर होता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस पे। ठीक है कहानी क्लियर हुई, ठीक है तो वो इस पे डिपेंड करता है। कैसे देखो, क्योंकि ये रूट के अंदर है वैल्यू, द वैल्यू विल बी इन द रूट। अब अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई, इफ द वैल्यू विल बी लेस देन 0, इफ द वैल्यू विल बी लेस देन 0, तो ये जो रूट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो रही है तो क्या मुझे जो आंसर है वो नेगेटिव में मिलेगा दोस्तों। अगर आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, देन द वैल्यू विल बी नेगेटिव। अगर मान लेते हैं ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये वैल्यू मतलब जो मैंने सर्कल के अंदर बनाई है, तो द आंसर विल बी पॉजिटिव। और अगर ये 0 के इक्वल आ गई, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो जो है मुझे रूट सेम मिलेंगे। चलो चेक कर लें क्या, लेट्स चेक इट, एक बार चेक करते हैं भाई, ठीक है एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है क्या,
इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। चलिए ठीक है, इफ इसको मैं क्या बताया था, मैंने क्या बोलता हूँ इसको, डी है ना, इफ डी विल बी लेस देन जीरो, इफ डी विल बी इज इक्वल टू जीरो और डी विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये तीनों कहानियां यहाँ पे बन रही हैं। अगर ये तीनों कहानियां बन रही हैं तो पहली कहानी ये बनती है कि रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, रियल रूट्स और सेम बनेंगे, क्या बन रहे हैं सेम रूट्स, दोनों सेम मिलेंगे और यहां क्या मिलेगा डिफरेंट रियल रूट्स। आई होप ये कहानी आपके भेजे में घुस गई, आई होप ये कहानी आपके भेजे में घुस गई, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर है। इस पे डिपेंड करेगा, मतलब मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इफ आई वॉन्ट द नेचर ऑफ रूट्स ओनली, अगर मुझे रूट्स का सिर्फ नेचर पता करना है, अगर मुझे सिर्फ रूट्स का नेचर पता करना है तो उसके लिए मुझे रूट्स की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी वन एग्जांपल, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, हम उससे पहले चेक कर लेंगे और फिर हम निकाल के भी देखेंगे क्या हम जो रूट्स निकाल रहे हैं वो जो हमने चेक किया है क्या उससे हमारी कहानी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करते हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, जरा देख लेते हैं, चलो लेट्स बिगिन, ठीक है स्टार्ट करें। ओके, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, अगेन काम वही है, रूट्स निकालना है, बट नाउ पहले हम चेक कर लें कि जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, द रूट्स विल बी रियल और इमेजिनरी, है ना, वाले हैं। देखिए चल, तो यहां की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको पहले कंपेयर कर लूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो यहां से ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू फोर, सी का वैल्यू माइनस एट, यस और नो में जवाब दो भाई, ठीक है क्या है कहानी, बिल्कुल ठीक है। तो जरा पहले चेक करें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से सॉल्व करें इसको, जरा चेक करते हैं कि व्हाट आई गॉट, जीरो से बड़ा छोटा और इक्वल, चलिए बी का वैल्यू फोर सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस एट, सॉल्व करेंगे 32, 16, माइनस माइनस प्लस 32, कितना हो रहा है जरा चेक इट आउट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आई गॉट 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जो भी आंसर आ रहा है इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब रूट रियल मिलेंगे बट डिस्टिंक्ट डिफरेंट मिलेंगे, रूट विल बी रियल एंड डिफरेंट। चलिए लेट्स चेक, आप सॉल्व करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दिस इज अवर क्वेश्चन, यस और नो, दिस इज अवर क्वेश्चन भाई, चलो ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस बी मतलब माइनस फोर, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया बी स्क्वायर, मतलब इसको पूरी वैल्यू आ गया 48 अपॉन टू इंटू ए, ए का वैल्यू वन, यस और नो में जवाब दो भाई, चलिए ठीक है सही है भैया यहां तक की कहानी। चलो इधर क्या आ गई कहानी देखें, माइनस फोर प्लस फोर रूट फोर आएगा ये तो, है ना, फोर फोर जब सिक्सटीन, फोर जा नहीं 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 गलती हो गई, चलो इसके रूट बना लो भैया, 48 के रूट बनाओ, ये आएगा रूट्स भाई, दिस इज द रूट्स, ठीक है, तो पेयर अगर मैं देखूं तो फोर यस आ रहा है, ठीक है फोर रूट थ्री है आंसर, है ना, यहाँ पे फोर रूट थ्री हो गया अपॉन टू, प्लस माइनस दोनों है तो एक आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा माइनस, तो माइनस फोर प्लस फोर रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस फोर रूट थ्री अपॉन टू, जो भी है आंसर विल बी रियल। कैसे पता चला भैया, आई नहीं मिल रहा है, आयोटा नहीं मिल रहा है, मतलब यू गॉट द रियल आंसर्स,
यस और नो रियल नंबर यू गॉट. चलो यहाँ से और सॉल्व करूँ, 4 कॉमन ले लूँ मैं या माइनस 4 कॉमन ले लो, तो बचा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, सो सॉल्व कर दो तो यू गॉट चलो इसको अंदर ही रहने दो यार, रूट 3 माइनस में लिख दो इसको, यस और नो माइनस अंदर है ना, 2 रूट 3 माइनस 1 है ना, ये मिला. यहाँ से देखें तो यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच्चा माइनस ही कॉमन ले लो या जो भी है, तो यू गॉट 2 माइनस 2 रूट 3 है ना, ठीक है. तो ये आंसर मिल गया. क्या दोनों नंबर रियल है? बिल्कुल है यार. ये मत सोचना माइनस रूट ये नंबर रियल नहीं है क्या सर, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इज दिस अ रियल नंबर और नॉट? कौन सा सर? ये भैया ये रियल नंबर है यार. मैंने बोला ना नंबर लाइन में जो माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी वैल्यूज हैं भाई, वो सारी की सारी रियल हैं दोस्त, है ना. इमेजिनरी वैल्यूज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. क्लियर है कहानी? इमेजिनरी वैल्यूज इज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है कहानी? आई होप ये कहानी क्लियर हो गई है आपको, ठीक है, कि रियल नंबर जो है जो नंबर लाइन्स में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जितनी भी आ रही हैं, दे ऑल आर रियल्स, नॉट इंक्लूडिंग दिस. ये सारी वैल्यूज क्या है? रियल है बेटा. चलिए उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको क्लियर हो गई है. चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और क्वेश्चन उठाते हैं, रियल नंबर का कर लिया इंटेंशनली. अब मैं कैसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ? आई एम सेइंग इंटेंशनली, है ना, कि जो नंबर है दैट इज विल बी अ इमेजिनरी नंबर, द नंबर विल बी इमेजिनरी. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो नंबर अब जो है इमेजिनरी है, कैसे पता चलेगा? भैया कि नंबर इमेजिनरी है? ठीक है, नंबर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक इक्वेशन उठा लेता हूँ कोई भी. लेट्स मूव इक्वेशन टू माय एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या चलिए ऐसे भी नहीं लेता हूँ मैं, ये और ले लेता हूँ x माइनस 8 और, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन. अब पहले अगेन मैं चेक करूँ क्या अपनी मेथड से, हमें अपनी मेथड से चेक कि वो जो इक्वेशन है कि वो क्या है. कैसे चेक करोगे? अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है. पहले एक काम करें, कंपेयर कर लो सर, ax स्क्वायर माइनस bx आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन कभी चेंज नहीं करेंगे, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो चलते रहने चाहिए, ठीक है. चलो तो फिर क्या करें हम सर आगे की कहानी बताओ. अब a का वैल्यू यहां से 1, b का वैल्यू b1, c का वैल्यू हमेशा विद साइन बोलेंगे आप, ठीक है. चलो सर ठीक है ना, ठीक है, ये कहानी क्लियर है. ओके, अब मैं क्या करूं? नाउ व्हाट आई हैव टू डू जस्ट कंपेयर विद दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जो भी आएगा, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, या एक काम करो इसको प्लस 8 ले लो. क्यों सर? मैं इमेजिनरी बनाना चाह रहा हूँ, मैंने बोला मैं इंटेंशनली बनाना चाह रहा हूँ, है ना. अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं तो एग्जांपल लेके आपको करा रहा हूँ, तो मैंने इंटेंशनली बना दिया. चलो तो ये इंटेंशनली हो गया भैया. अब देखो तो यहाँ से 8, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 31 माइनस का आ रहा, दिस विल बी लेस देन 0 माई फ्रेंड्स, दिस विल बी लेस देन 0. यस और नो में जवाब दो भाई. अगर ये लेस देन जीरो है इट मीन्स यू गॉट वॉट? क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा इमेजिनरी नंबर. आपको क्या मिलेगा? इमेजिनरी नंबर मिलेगा दोस्तों. अगर इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है तो चलो देख लेते हैं जरा, लेट्स सी कि भैया कैसे होगा. अगेन फॉर्मूला वही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस 1, प्लस माइनस अगेन ये वैल्यू होगी रूट 31, माइनस रूट 31 होगी भैया, माइनस रूट 31 है ना, अपॉन 2a की वैल्यू, तो माइनस 1. यहाँ से अगेन तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, आई स्क्वायर की जगह माइनस की जगह आई स्क्वायर रख दो, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 31
आई अपॉन टू, यहाँ के बाद तो मुझे पता चल गया, तो वन बाई टू इज दी डिफरेंट और दिस इज डिफरेंट, तो इस तरीके से ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो मैंने आपसे तीन सिचुएशन डिस्कस करी, तीनों में से दो के एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। क्या एक और का एग्जाम्पल जरा देख लिया जाए, लेट्स सी कि दूसरे का एग्जाम्पल क्या है, जो एक और कंडीशन है उसका एग्जाम्पल क्या बन रहा है। चलिए देख लेते हैं, टू वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नहीं प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई, ठीक है, और यहां ले लेता हूं 4, हाँ अब सही रहेगा, ठीक है कहानी। चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन अगेन, चेक करो इससे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है x लिखा है कि y लिखा है, मेरे को ये पता है वेरिएबल लिखा है, दैट्स इट। मेरी दिक्कत बस यही है कि मेरे को एक ही टाइप का वेरिएबल हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया माइनस 4, c का वैल्यू हो गया 2, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी चाहिए, b का वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, देख लो भैया 16 माइनस 16 इट विल बी 0, तो ये वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। और जैसे ही 0 के इक्वल आए भाई, जैसे ही आई गॉट द आंसर विल बी इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से मुझे क्लियर हो गया कि रूट सेम मिलेंगे, दो रूट जो मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। क्या आप चेक करना चाहते हैं, आप बोलोगे यस सर, लेट्स सी, देखते हैं कैसे होंगे। अगेन फॉर्मूला वही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। देखो मैथडोलॉजी वन एंड सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें बदल रही हैं। चलिए माइनस बी, बी का वैल्यू आई गॉट माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, है ना, कैसे हो रहा है ये, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये एक बी की वैल्यू और एक माइनस बाहर था, और ये वैल्यू आई गॉट 0 अपॉन 2 ए, ए का वैल्यू अगेन हाउ मच 2, सो इट इज 2 ले लो, तो यहाँ से आंसर विल बी 4 अपॉन 4 गॉट 1, तो दो मिलेंगे 1 1 दो। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन उठती है, सर वैल्यू तो एक मिल रही है, मैं बोल चुका हूँ जितनी पावर होगी उतने आंसर्स आएंगे, उतनी रूट्स की वैल्यू आएंगी ही आएंगी, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वन आ रही है तो दो आएंगे, 1, 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो गलती हो जाती है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो गलती हो जाती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा रूट्स के, वो दोनों वैल्यू सेम होंगी, एक आए तो, अगर क्यूब होता तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अभी तक मैंने 2 की पावर वाली आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी मैंने आपको 2 क्लास में सारी समझा दी। नाउ अब हम ये देखना है कि अगर सर पावर 3 है, अगर पावर 4 है, पावर 4 तक की कहानी तो शायद नहीं ही आएगी आपकी अपनी 11th क्लास में, बट हाँ वॉट इफ अगर पावर 3 है तो हम उसको कैसे भी कॉमन लेके, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन तो काफी इजी, उसमें से एक्स कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो क्वेश्चन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है हमारी 2 पावर वाली, है ना, तो वहां फिर सॉल्व करके बाद में एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक ये तरीका है। एक और अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के जितने क्वेश्चंस करें, तीनों टाइप है, कौन कौन से टाइप, ये रहे वो टाइप, कहाँ गए, ये तीन टाइप थे, तीनों टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन होगा, अगले टाइप के एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करूंगा आपके एनसीईआरटी बुक के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।